इश्क बड़ा हर जाई है। इस नॉवल को तहरीर किया है उज़्मा मुजाहिद ने। दरिया, यकीनन दरिया ने उसे रुखसती वाली बात बता दी होगी। ये क्या समझ रहा है कि मैं हार गई? नहीं, मैं अभी इसे बता दूंगी कि इस सब के पीछे वजह क्या है। देखो कैप्टन मुहिब रजा, उसने उंगली उठा के उसे वार्न करना चाहा। जी देख ही तो रहा हूँ, मुहिब ने शरारती अंदाज अपनाया था। पशमा उसके नए अंदाज पे जिच हो रही थी। उसे उस टाइम मुहिब को कुछ भी कहना बेमायने लग रहा था। वो तनफन करती अंदर की जानेब बढ़ गई। मुहिब के चेहरे पे एक शरारती मुस्कान ने अहाता किया था। उस लड़की में उसकी जान बसती थी। अब तक उसने अपने साथ साथ उस पे भी बहुत जुल्म किया था। अब बस, अब मैं उसे मना लूंगा, उसे अपने रिश्ते का एहसास दूंगा, अपने ख्यालों को उसकी सोच से मुअत्तर करता। वो भी घर में दाखिल हुआ था। पशमा उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो गेस्ट रूम की जाने पड़ गया, क्योंकि वो कभी उनके साथ नहीं रहा था, इसलिए उसका कोई मखसूस कमरा ना था। फ्रेश होने के बाद उसने शाह और अपनी टीम को पिंडी में अपनी मौजूदगी का बताया। बाकी का मुख्तसर लाहे अमल उन्हें बता के उठ खड़ा हुआ। इरादा अपने लिए चाय बनाने का था। किचन में खटर पटर की आवाजों ने उसे अच्छे से समझा दिया था कि अंदर कौन है। वो यकीनन उसका गुस्सा चीजों पे उतार रही थी। उसने वापस जाना मुनासिब समझा, मगर वही दिल की सरकशी ने उसे दोबारा उसी की जानिब ला खड़ा किया। इतने दिन बाद महबूब का दीदार नसीब हुआ था तो दिल ने अपनी अलग ही ताल ले रखी। चाय मिल सकती है? मुहिब की आवाज को पशमा ने कोई नोटिस नहीं लिया और अपने काम में मशगूल रही थी। कॉफी फेंटने में तेजी आ गई थी। मुहिब जवाब का मुंतजर, जो यकीनन नहीं मिलने वाला था। वो खामोशी से खड़ा बगौर उसकी एक एक हरकत देखने लगा था। कॉफी तैयार करके वो अपना मग उठाने की नीयत से आगे बढ़ी के उसके हाथ से पहले मुहिब का हाथ मग पकड़ चुका था। क्या बदतमीजी है ये? पशमा ने गुस्से से उसे घूरा था। बदतमीजी ये नहीं वो है जो आप कर रही हैं। अपने शोहर के हुकूक नजरअंदाज करके मुहिब ने नॉर्मल अंदाज अपनाया, उस पर तंज किया और साथ ही कॉफी का पहला घूंट भरा और एक तौसीफी निगाह उस पर डाली। वैसे काफी बहुत मजे की बनाई तुमने, उसने वशमा का तनकीदी जायजा लेते हुए कहा। ओ हेलो, कौन सा शोहर कौन से हकूक, आप शायद अपने बारे में राय भूल चुके हैं। उसने एक तंजिया मुस्कुराहट मुहिब की जाने बुझा ली। वही शोहर जिससे हफ्ता बाद आपकी रुखसती तय पाई है, वही शोहर जो इस वक्त आपके साथ अकेले घर में मौजूद है। और हकूक फराइज की बात कहती है तो बंदा नाचीज हासिर है, आपको तफसीलन सब समझा सकता हूँ। मुहिब ने पुर इसरार अंदाज अपनाया जो वशमा के रोंगटे खड़े कर रहा था। देखो तुम अपनी लिमिट से बढ़ रहे हो। अब वशमा ने पगड़े से शहादत की उंगली उठा के हतमी अंदाज अपनाए, जैसे उसे वार्न करना चाहा। मुहिब ने उसकी उंगली पकड़ के हल्के से अपने होठों से छुआ। थैंक्स, कॉफी बहुत अच्छी और जायका भी। मुहिब ने उसकी उंगली की तरफ निगाह दौड़ाई और किचन से बाहर निकली। वशमा अभी तक उसकी इतनी जुर्रत और हरकत पे शदद्दुर ठहरी थी। समझता क्या है खुद को, अगर मैं ये रिश्ता बरकरार रख रही हूँ तो सिर्फ दरी के लिए। जैसे ही वो सेटल होगी हम दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग होंगी मिस्टर मुहिब रजा। वशमा ने ख्यालों में ही मुहिब की क्लास ली। बिया का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। बड़े हिटलर और दादी माँ की हजार नसीहतें उसके साथ, जैसे वो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि किसी मैदान जंग में जा रही थी जहाँ उसका मुकाबला हर तरफ से दुश्मनों से होने वाला था। उसने बेबस निगाह माँ बाप पे डाली और स्टूडेंट बैग लिए बाहर की जाने पड़ी। लेकिन वो इतनी खुशकिस्मत कहाँ कि सुकून से रहे। रास्ते में ही ताई जान अपने होनहार सपूत के साथ हाजिर थी। हमारी बेटी का आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन, हमने सोचा हम इसे अपनी दुआओं के साए में रुखसत करें। ताई अम्मा हमेशा की तरह अपनी सलीस उर्दू के साथ उसे मजीद ताव दिला रहे। अरे भाभी बेगम आप अंदर आइए, बाकी बातें वापसी पर कर लीजिएगा। रशना बेगम ने जैसे बेटी की हालत समझ उन्हें टालने की कोशिश की। बिया ने जल्दी जान खुलासी पर तशक्कुराना निगाहों से माँ को देखा। अरे शोराइम बेटा तुम खुद जाओ, हमारी बेटी के साथ आज उसका पहला दिन तो बच्ची घबरा रही है, जरा हौसला रहेगा, उसकी क्लास तक छोड़ के आना। दादी अम्मा की बात पे बिया कश खाने लगी। मतलब क्या क्या है, मैं कोई पानीपत की लड़ाई पे जा रही हूँ? अल्लाह तौबा दादी, आप करमू चाचा को आनी बी को भी मेरे साथ भेज, क्लास में मेरे साथ कुर्सी लगा के बैठे, ये लोग भी इंजॉय करेंगे। बिया ने दांत पीस पीस के एक एक लफ्ज अदा किया।
दादी माँ ने एक नजर उसे देखा और फिर आनी भी और करमू चाचा को। बिया उनकी निगाहों का मफहूम समझ के खुद पे 100 बार मलामतें भेजने लगी थी। दादी तो सच में उसकी बात पे सीरियस हो गई थी। मैं छोड़ आता हूँ, आप लोग परेशान मत हो। दादी माँ, ये कोई बच्ची नहीं है जो आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं। छोटे हिटलर का जान खुलासी वाला अंदाज देख बिया के हवास वापस लौटे थे। बहरहाल आनी भी और करमू चाचा से तो बेटर ऑप्शन था छोटा हिटलर, उसे छोड़ के वापस आ जाता। चले, शोराइम ने उसे मुखातिब किया। हम हाँ हाँ, बिया ने मभम अंदाज में जवाब दिया और गाड़ी की जानिब रवाना हुई। शोराइम ने उसके लिए फ्रंट साइड ओपन की और वो अच्छे बच्चों की तरह अंदर बैठ गई। तो मिस बिया, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यूनि में लिमिटेड होके वक्त गुजारे, लेकिन बगैर जरूरत लोगों से घुलने मिलने से परहेज जरूर कीजिएगा। आप लोगों से जितना फासला रखेंगी उतना आपके लिए और हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी बातें आप वक्त के साथ सीख जाएंगी। कोशिश कीजिएगा कि आपकी वजह से हमारी फैमिली किसी मसले से दो चार ना हो। यूनिवर्सिटी गेट पे उसे उतारते हुए नसीहतों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था। उसे ड्रॉप करने के बाद शोराइम वहां से रुखसत हो गया। अब बिया को वाकई घबराहट हो रही थी। एक नई और अनजान जगह उसकी सारी फुर्तियां गुम थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में बता सकती हैं कि किस साइट पे है? एक लड़की ने बिया को मुखातिब किया। उसने चौंक के मुखातिब की जानिब देखा। लाइट ब्राउन आइज के साथ बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लड़की उसके सामने खड़ी, जो उम्र में अबिया से शायद बड़ी थी, लेकिन अपनी मॉडर्न लुक से वो काफी कम उम्र दिखाई दे रही थी। शोल्डर कट हेयर्स बड़े सलीके से बनाए गए, टॉप जीन्स के साथ बराए नाम स्कार्फ ओढ़ा हुआ था। उसका तफसीली जायजा लेने के बाद बिया को अपना आप एक पेंडू जैसा लगा, जो लॉन्ग कुर्ता और टाइट्स के साथ में सर पे सलीके से सजाया गया दुपट्टा बालों को रबर बैंड में कैद किए मुकम्मल लग रही थी। लेकिन अब अबिया को खुद में 1000 खामियां नजर आने लगी। एक्सक्यूज मी लड़की, फिर अबिया से मुखातिब हुई थी। जी सॉरी, मैं खुद फ्रेशर हूँ, बिया ने बेढंग के पन से जवाब दिया। उसे इतना जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज करने पे गुस्सा आने लगा। ओ, इन विच डिपार्टमेंट? बीबीए, बिया ने जल्दी से जवाब दिया। राइट, चले पहले आपका डिपार्टमेंट ढूंढते हैं, फिर मिलके मेरा डिपार्टमेंट ढूंढ लें। उसने दोस्ताना अंदाज अपनाते हुए बिया को कहा, जैसे उनमें पहले की जान पहचान रही है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में बता सकती हैं कि किस साइड पे है? एक लड़की ने बिया को मुखातिब किया। उसने चौंक के मुखातिब की जानिब देखा था। लाइट ब्राउन आइज के साथ बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लड़की उसके सामने खड़ी, जो उम्र में अबिया से शायद बड़ी थी, लेकिन अपनी मॉडर्न लुक से वो काफी कम उम्र दिखाई दे रही थी। शोल्डर कट हेयर्स बड़े सलीके से बनाए गए, टॉप जीन्स के साथ बराए नाम स्कार्फ ओढ़ा हुआ था। उसका तफसीली जायजा लेने के बाद बिया को अपना आप एक पेंडू जैसा लगा, जो लॉन्ग कुर्ता और टाइट साथ में सर पे सलीके से सजाया गया दुपट्टा बालों को रबर बैंड में कैद किए मुकम्मल लग रही थी। लेकिन अब अबिया को खुद में 1000 खामियां नजर आने लगी। एक्सक्यूज मी, लड़की फिर अबिया से मुखातिब हुई। जी सॉरी, मैं खुद फ्रेशर हूँ, बिया ने बेढंगे पन से जवाब दिया। उसे इतना जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज करने पे गुस्सा आने लगा। ओ, इन विच डिपार्टमेंट? बीबीए, बिया ने जल्दी से जवाब दिया। राइट, चले पहले आपका डिपार्टमेंट ढूंढते हैं, फिर मिलके मेरा ढूंढ लेंगे। उसने दोस्ताना अंदाज अपनाते हुए बिया को कहा, जैसे उनमें पहले की जान पहचान रही हो। बाय द वे, आई एम हिरा एंड यू? उस लड़की ने बेतकल्लुफी से बिया की जानिब हाथ बढ़ाया, जो बिया ने जल्दी से थाम लिया। उसकी हालत मेले में खोए हुए बच्चे जैसी लग रही थी। बिया, आई मीन अबिया अहमद, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना मुख्तसर तारुफ करवाया। बिया उसके साथ अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ी। उस लड़की ने 2-3 स्टूडेंट को रोक के मजीद रहनुमाई ली और साथ में अपनी क्लास का पूछा। बिया को उसके डिपार्टमेंट के गेट के सामने छोड़ने के बाद वो अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गई। कुछ देर खुद को रिलैक्स करने के बाद बिया ने अपनी क्लास की जानिब कदम बढ़ाए। एंट्रेंस डोर क्रॉस करके वो आगे की जानिब बढ़ी थी, जब उसे किसी क्लास वाला माहौल महसूस नहीं हुआ। सामने ही कॉरिडोर में कुछ स्टूडेंट्स स्मोकिंग करने में मसरूफ थे, जो बिया को अपनी जानिब आता देख खड़े हुए। वहां आता जाता हर शख्स अजीब नजरों से उसे घूर रहा था। न्यू स्टूडेंट? उनमें से एक लड़के ने आगे बढ़ के उसे मुखातिब किया। जी, बिया पे घबराहट तारी हुई। आपको किसने भेजा यहाँ? ने फिर तफ्तीशी अंदाज अपनाया। वो बिया को अब एहसास हो रहा था कि वो किसी गड़बड़ का शिकार हो चुकी है। जैम, फूल और साथ ही एक कह कहा
पड़ा था अपने इर्द गिर्द और सामने उसने अब गौर किया था और शर्म के मारे उसका दिल अथाह गहराइयों में डूबा था। उसे अपना दिमाग और इर्द गिर्द सब कुछ घूमता दिखाई दे रहा था। कहीं पर भी तुम्हारे नक्शे पा बाकी नहीं, बताओ क्या मेरे रास्तों का दुख बनता नहीं है। अपने काम में मसरूफ दिल दिल के एक कोने में एक हस्ती मुस्कुराती लड़की की तस्वीर बसाए न जाने लेफ्टिनेंट असद मिलन की घड़ियों का क्यों यकीन रखे हुए। अगर मुहिब और शाह को उसके अंदर की इस तब्दीली का पता चलता तो शायद उसका बहुत रिकॉर्ड लगाने वाले। शाह की सोच आने पे उसके हलक में एक कड़वाहट भर गई थी। जो भी था, शाह को उस पे गोली नहीं चलानी चाहिए। एक और जहरीली सोच उसे एकदम मुस्तरिब कर दिया था। पता नहीं कौन थी, कहाँ थी, असद सिर्फ सोच सकता था। जिंदगी में कई मर्तबा ऐसे लोग मिलते हैं जो पहली नजर में आपकी आंखों में बस जाते हैं। या के साथ उसकी पहली मुलाकात इतनी खुशगवार नहीं रही थी, मगर दूसरी मुलाकात जिन हालात में हुई वो जरूर उस पर असर छोड़ चुकी। असद की बिया से महज हमदर्दी ही शाह को इतना भड़का गई थी और असद के लिए ये हमदर्दी बहुत आगे की करवट ले रही। वो तकदीर के फैसलों से अनजान था, इस बात से अनजान के वो तो किसी और का मुकद्दर ठहराई जा चुकी है। फिर भी वो उससे मिलने की दुआएं रोज करता था और शायद कभी तकदीर उनका सामना करवा भी दे, मगर तब क्या वो सह पाता। उसका किसी और के साथ जुड़ा नाम, साईं आपको हसन साहब ने बुलाया है। मुलाजिम की आमद और हसन का पैगाम उसे सोचों के भंवर से बाहर लाया था। असद एकदम चौकन्ना हुआ था, बिया से हटके उसे अपना मकसद याद आ रहा था। अब वो मुलाजिम के साथ बाहर रवाना हुआ। खान, इतने लंबे अरसे का मेहमान, वो भी दो दिन की जान पहचान, हमारे लिए कोई मुश्किल ना पैदा करे। अंदर से आती आवाज ने असद के कदम बाहर को रोक दिए। बाबा साईं, वो बहुत अच्छा बंदा है, विलायत से आया है इधर घूमने फिरने को, फिर अपने इलाके में आए, मेहमान की इज्जत करना तो हमारा फर्ज है। बाबा साईं, हसन उसकी खातिर शौकत अचकदई को सफाइयां दे रहा था। असद का दिल अपने लिए उसकी इतनी परवाह देख एक लम्हे को मोह हुआ था, लेकिन शाह की बात उसके गिर्द घूमने लगी। ऑन ड्यूटी ना हम किसी के दोस्त हैं, भाई ना ही बिल्ली, सामने मैं ही क्यों ना हूँ तुम लोगों की पहली तरजीह फर्ज। असद ने दरवाजे पे दस्तक दी ताकि वो उसकी आमद से मुतवज्जो हो जाए। हसन ने एक खुश आइन मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और शौकत अचकदई ने भी बगौर उसका जायजा लिया। बज़ाहिर तो सब ठीक था, मगर उन्हें उस लड़के से ख्वामखा के तहफ़ुज़ात थे। बिया को अपने हवास मंजमद दिखाई दिए। वो जेंट्स वॉशरूम साइड थी। उसने अपनी तरफ घूरते लड़कों को देखा और आहिस्तगी से वापस उसी तरफ कदम बढ़ाए जिस साइड से वो आई। किसी को कुछ सोचने का मौका दिए बगैर वो भागते कदमों से पीछे को दौड़ी थी। पहले ही दिन वो बहुत बुरी शरारत का शिकार हुई जिसने उसका रहा सहा एतमाद भी खत्म कर दिया। वापस को भागते ने आने वाले रास्ते को जहन में जरूर दोहराया था, लेकिन एक ही तर्ज की इमारत ने उसे बुरी तरह चकरा के रख दिया। वो अपनी बेबसी पे रोती एक बेंच पे बैठ गई। उसे बारहा समझाया गया था कि किसी पे एतमाद नहीं करना और वो पहले ही दिन सब नसीहतें भुला के मुसीबत अपने सर ले बैठी। बेटा आप क्यों यहाँ बैठी हैं, एक शफीक आवाज थी। उसने डर के सर उठाया। गार्ड की यूनिफॉर्म में मलबूस वो शख्स उसे परेशान सा देख रहा था। वो मैं रास्ता भूल गई, वापसी का बिया ने बेतुके अंदाज में बताया। चलो बेटा मैं आपको मेन गेट की तरफ छोड़ दूं। बिया ने कुछ मशकूक अंदाज में उनकी तरफ देखा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। गार्ड के साथ जाने के वापस आते अचानक उसकी नजर गेट से कुछ दूर वाके डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट के बड़े से बोर्ड पे पड़ी और उसे अपनी कम अकली पे रोना आया। उसे याद था कि शोराइम उसे यूनिवर्सिटी के इस गेट पे शायद इसलिए छोड़ के गया था ताकि वो आराम से अपने डिपार्टमेंट जा सके, मगर वो स्टूडेंट रैगिंग का हिस्सा बन गई थी। लेकिन आज के लिए वो मजीद वहां नहीं ठहर सकती थी। गेट पे पहुंच के उसने पास से गुजरते रिक्शे को हाथ दिया, एड्रेस समझा के घर को रवाना हो गई। अभी उसे घर जल्दी वापस पहुंचने पे सबको तसल्ली बख्श जवाबों के लिए खुद को तैयार करना था। और अगर जो वहां कोई ओबाश लड़के हो तो किसी को पता भी ना चलता कि उसके साथ हुआ क्या है। उस वक्त उसका जहन मुख्तलिफ सोचों की अमाजगा बना हुआ था। तादमे मर्ग यक तरफा मोहब्बत आतिशे लामहदूद अजाब मुसलसल, मुहिब की सोचें मुसलसल वशमा के गिर्द घूम रही। आज कॉलोनी में जानने वालों के जरिए दरिया को देखने कुछ लोग आ रहे और उसकी मौजूदगी यहाँ लाजिम।
वो दोनों किचन में मसरूफ, मुख्तलिफ अनवा इकसाम के खाने में मसरूफ, दोनों के दिमाग एक ही शख्स के गिर्द घूम रहे थे और वो था मेजर अरसलान शरीफ। इतना आसान न था उसका हवाला अपनी जात से अलग करना। 5 साल का अरसा कम न था। उनकी मोहब्बतों की तो एक दास्तान रकम। दरिया को अब भी हर वक्त शरारती मुस्कान लिए वो अपने इर्द गिर्द दिखाई देता था। इधर वशमा की सोचे भी एक मदार में। जब दरिया का नाम किसी और से जुड़ेगा तो वो अरसलान से जुड़ा वाहिद रिश्ता भी खो दे। उस घर में रौनक बिहाल करने के लिए उसे एक बार फिर से अपने प्यारों की कुर्बानी देनी थी। उसने अपनी आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं का रास्ता रोका और दरिया को देखा। वो दोनों ही एक दूसरे से अपनी कैफियत छुपाने की जहमत नहीं कर रहे। वो बचपन की हमराज एक जैसे दुख से समझौता करने जा रहे, मगर फिर भी सबर था कि आए नहीं दे रहा था। बुढ़िया, तुम्हें मामा बुला रहे। मुहिब की आवाज ने जहरीली यादों की खामोशी को तोड़ा था। दरिया उसकी बात सुनके फौरन बाहर को निकली। वशमा ने अपने तासरात छुपाने के लिए चेहरा मजीद झुका लिया। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ देह है विश, मगर हम सब जितना जल्दी खामोशी के इस समंदर से निकल के दुनिया की भीड़ में आएंगे उतना अच्छा होगा। हम सबके लिए जाने वाले लौट के नहीं आएंगे। हाँ, मगर हमारी अच्छी यादों और नेक तमन्नाओं में हमेशा हमारे साथ रहें। विश धीमे लहजे में कहता वो वशमा को उस जज्बाती कैफियत से निकालने की कोशिश कर रहा था जो उसके छुपाने के बावजूद भी मुहिब के सामने थी। वो चाहे जितना खुद को उससे छुपाती मगर वो तो उसकी धड़कन के इंतजार से भी वाकिफ था। विश मोहब्बत से चूर लहजे में पुकारा गया। वशमा ने बेसाख्ता उसकी पुकार पे उसे देखा था। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर तुम हमारे रिश्ते को और टाइम देना चाहो तो मैं मामा और दरी को राजी कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी किसी किस्म के दबाव में आके हमारी जिंदगी का इतना अहम कदम उठाओ। मैं हर तरह तुम्हारा साथ दूंगा। वशमा को उसका लहजा एहसान जताने वाला लगा था। एकदम उसे अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी। आपको किसने कहा कि मैं दूसरों की मर्जी से फैसले करती हूँ? आपसे शादी मेरा अपना फैसला था और मुझे आपसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। ओके, हमेशा वाला जिद्दी लहजा मुहिब के चेहरे पे मुस्कुराहट खिला गया था जो वशमा को मजीद भड़का रहा था। वो उसे मुकम्मल इग्नोर करते चीजों को साथ उठक पटक करने लगे। मुहिब जानता था उसका गुस्सा चीजों पे उतारा जा रहा है। क्यों खड़े हैं, जाएं आप यहाँ से। एक भरपूर गुस्से भरी घूरी से उसे नवाजा गया। फिर वो मुहिब ही क्या जिसपे कोई असर हो जाए। एक दिल फरेब स्माइल पास करता वो बाहर की जानिब चला गया। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ देह है विश, मगर हम सब जितना जल्दी खामोशी के समंदर से निकल के दुनिया की भीड़ में आएंगे उतना अच्छा होगा हम सबके लिए। जाने वाले लौट के नहीं आएंगे। हाँ, मगर हमारी अच्छी यादों और नेक तमन्नाओं में हमेशा हमारे साथ रहें। विश धीमे लहजे में कहता वो वशमा को उस जज्बाती कैफियत से निकालने की कोशिश कर रहा था जो उसके छुपाने के बावजूद भी मुहिब के सामने थी। वो चाहे जितना खुद को उससे छुपाती मगर वो तो उसकी धड़कन के इंतजार से भी वाकिफ था। विश मोहब्बत से चूर लहजे में पुकारा गया। वशमा ने बेसाख्ता उसकी पुकार पे उसे देखा था। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर तुम हमारे रिश्ते को और टाइम देना चाहो तो मैं मामा और दरी को राजी कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी किस्म की दबाव में आ हमारी जिंदगी का इतना अहम कदम उठा। मैं हर तरह तुम्हारा साथ दूंगा। वशमा को उसका लहजा एहसान जताने वाला लगा था। एकदम उसे अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी। आपको किसने कहा कि मैं दूसरों की मर्जी से फैसले करती हूँ? आपसे शादी मेरा अपना फैसला है और मुझे आपसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। ओके, हमेशा वाला जिद्दी लहजा मुहिब के चेहरे पे मुस्कुराहट खिला गया जो वशमा को मजीद भड़का रहा था। वो उसे मुसलसल इग्नोर करते चीजों के साथ अटक पटक उठक पटक करने लगी थी। मुहिब जानता था उसका गुस्सा चीजों पे उतारा जा रहा है। क्यों खड़े हैं, जाएं आप यहाँ से। एक भरपूर गुस्से भरी घूरी से उसे नवाजा गया। फिर वो मुहिब भी क्या जो जिसपे कोई असर हो जाए। एक दिल फरेब इस्माइल पास करता वो बाहर की जानिब चला गया। लड़के वाले दरिया को पसंद करने के साथ ही शगुन की अंगूठी भी डाल गए थे। कुछ मामलात पहले से तय थे और कुछ बाद में तय करके शादी की डेट फिक्स कर दी गई। क्योंकि दरिया अपने भाई की शादी भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए मुहिब और वशमा की शादी के एक हफ्ते बाद की डेट दी गई उसके ससुराल वालों को। डॉक्टर हमदा वशमा और दरिया के सीनियर थे, इसलिए भी वो उनसे कुछ हद तक वाकिफ। शाह और असद को जब मुहिब की शादी का इल्म हुआ, असद ने तो मानो फोन के अंदर घुस के
भंगड़े डालने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने दोस्त की 2 सालों की हिजर भरी घड़ियों का साथी रहा था। जबकि शाह ने अपने करियर के इतने अहम केस के दौरान शादी को महज एक घड़ाक पालने जा रहे हो बोल के बात ही खत्म कर दी। मुहिब को अफसोस हुआ था उसके रवैये से, लेकिन वो जानता कि वो अपने केस को लेके किस हद तक पजेसिव हो रहा। वो उससे तफसीली बात करने का सोचते हुए शादी की मसरूफियत में गुम हो गए। वशमा की जिद थी कि रुखसती सादगी से अमल में लाई जाए, मगर सलमा बेगम इकलौते बेटे की शादी पे सारे अरमान पूरे करना चाहती थी, जबकि वशमा के पास बहस के लिए एक तवील मौजूद था। पहले भी तो आप लोगों ने अरमान पूरे करने चाहे, नतीजा क्या निकला था? 2-2 जनाजे उठे इस घर से, फिर से क्यों उसी डगर पे चल रही? आप कौन बचा है आपके पास गवाने के लिए? क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ पहले लुटा चुकी हूँ। वह हद दर्जा खुद अज़ियती का शिकार हो रही और दूसरों को भी कर रही थी। मुहिब उसकी सोच से नावाकिफ था। कभी वो ढिटाई से खुद अपनी रुखसती की हामी भर के उसे हैरान कर रही थी, तो कभी पूरे घर को सोग में डुबोने की कोशिश में। अपनी कैफियत तो शायद उसे खुद भी नहीं पता थी। सलमा बेगम की आंखों से बहते आंसुओं ने उसे मजीद तल्ख कलामी से रोका और वो अपने कमरे में चली गई। उसे क्यों समझ नहीं आती, मैंने भी अपना शफीक साया, अपना भाई खोया है, अपना बेटो जैसा भतीजा खोया है। वो रोते हुए मुहिब से लिपट गई। एकदम उदासी ने जैसे पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। मुहिब को रह रह के वशमा पे गुस्सा आ रहा था, जो अगर खुद खुश नहीं रह सकती थी तो कम अज कम दूसरों की खुशियां तो ना खराब करे। डोंट वरी मामा, जैसे आप चाहती हैं वैसे ही सब करेंगे, आप रिलैक्स रहें, उसने माँ को शाने से लगाए तसल्ली दी। मलिक, इस बार की डील की काफी तगड़ी कीमत चुका रहे हैं वो लोग, बस शर्त यह है कि काम मुकम्मल राजदारी के साथ अपनी तकमील को पहुंचना चाहिए, और हो सकता है इस काम के बाद हमें कुछ अरसे के लिए मंजर से भी हटना पड़ जाए, क्योंकि ISI के ट्रेन कुत्ते हमारी बूझ सूंघते फिर रहे। शौकत अचकजई अपने जिगरी यार और साइड बिजनेस पार्टनर से अपनी नई डील की बाबत आगाह किया था। चोराइम ने बाकायदा से एक पार्टी को ज्वाइन करने की तकरीब रखी थी, जहां अपने मामू की शमूलियत से वो अपनी शोहरत में इजाफा कर सकता था। एक तरह वो मलिक को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाह रहा था। उन्होंने शोराइम को अपने सब खास दोस्तों से मिलवाया, जिनमें उनका नया बिजनेस पार्टनर दाऊद मशहदी भी था। वो दुबई पलट था और उनके स्मगलिंग के काम में उन्हें बहुत से कारामद प्रोजेक्ट दे रहा था, मगर शोराइम को उन्होंने फिलहाल अपने असल काम की भिनक भी नहीं पड़ने दी। वो नहीं चाहते थे कि उनके भांजे के सामने उनकी इमेज खराब हो। वहीं पे 2 आंखें मुसलसल मलिक के ऊपर कड़ी निगाह रखे हुए थी, जो शायद उसके लिए वबाले जान बनने को तैयार। पार्टी से फारिग होने के बाद शोराइम का रुख रोशनी हाउस की तरफ था। वो अबीहा से आज वाले वाकये की बाबत तफसीलन आगही चाह रहा था, जो रचना बेगम ने उसे बिया की जुबानी सुनाई थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, मगर बार बार गौर करने पे भी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुख्तलिफ गलियों से टर्न लेता वो रोशनी विला पहुंचा था। रचना बेगम से बिया की बाबत दरियाफ्त किया तो पता चला यूनिवर्सिटी से आने के बाद से वो कमरे से नहीं निकली, और यही बात सबको परेशान कर रही थी। मैं देखता हूँ, रचना बेगम को तसल्ली देने वाले अंदाज में कहता वो उसके कमरे की जाने बढ़ा था। दरवाजे की नॉब घुमाने पे पता चला डोर अंदर से लॉक नहीं, क्योंकि एक ही क्लिक से वो खुल गया था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। वो कभी किसी के कमरे में बगैर नॉक नहीं जाता था, और बिया के कमरे में तो वो कभी आया ही नहीं था। अपनी बेतकल्लुफी के अंदाज से वो खुद भी हैरान हुआ था। ना चाहते हुए भी शायद वो अपने और उसके रिश्ते में स्पेस पैदा कर रहा था। अंदाजे से बोर्ड की जानिब हाथ बढ़ा के लाइट ऑन, और साथ ही उस लम्हे को पछताया था जब यहाँ आने का सोचा था। अगर सोच ही लिया था तो बिया के रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सामने मौजूद वजूद खुद से मुकम्मल तौर पर गाफिल नींद की वादियों में गुम शोराइम को किसी और ही नगरी ले के जा रही थी। ढीले ढाले सादे ट्राउजर शर्ट में मलबूस कर्ली हेयर्स उसके साफ शफाफ चेहरे का अहाता किए हुए थे। औंधे मुंह लेटने की वजह से शर्ट बेतरतीब थी, और यही बेतरतीबी शोराइम की सांसें उखाड़ रही थी। आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, जबकि पीछे हटने की चाह ही नहीं थी। आज पहली बार शी इज माइंड के एहसास ने उसके कदम पकड़ रखे थे। सोते में बिया की हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी, और फिर से एक जामत खामोशी छा गई, मगर ये सिसकी शोराइम को बेदार कर गई थी। वो तेजी से उसकी जानेब बढ़ा था।
बिया, उसने पुकारा, मगर बिया शायद दोबारा नींद की वादियों में चली गई। करीब आने पे बिया के चेहरे पे आंसुओं के मिटे मिटे निशान साफ दिखाई दिए। वो सोने से पहले तक रोती रही, तभी नींद में भी सिसकी ली थी। चौराइम की बेचैनी हद से बढ़ रही थी। कल तक जिस लड़की की हद दर्जा जिच कर देने वाली हरकतों पे वो नाला था, आज उसी के लिए इतना बेकरार हो रहा था। शायद नहीं, यकीनन ये उनके दरमियान निकाह के मुकद्दस दो बोलों का असर था। तभी वो उसकी जानिब खिंचा चला जा रहा था। उसने हाथ बढ़ा के उसके चेहरे से घुंघरियाली लटे हटाई, रूई जैसे गालों से। जैसे ही उसकी उंगलियां टच हुई, गोया एक करंट की लहर के पूरे जिस्म में दौड़ी थी। वो तो लड़कियों के नाम से भी दूर भागता था। पहले कहां सिन्फ नाजुक की इस नाजुकी को उसने महसूस किया था, पहले बेसाख्तगी में हुई हरकत को उसने जानबूझ के दोबारा दोहराया। इस बार की फीलिंग में कुछ आगे की चाहत उभरी थी। अगर बिया इस वक्त जाग रही होती तो यकीनन उसकी इन हरकतों पे अच्छी खासी इज्जत कर चुकी होती। इस सोच ने चौराइम के होठों पे मुस्कुराहट बिखेरी थी। पागल लड़की, उसके एक एक नक्श को बगौर देखते उसे एक नए लकब से नवाजा, जबकि हरकतें वो खुद पागलों वाली कर रहा था। कौन कह सकता है कि अच्छे अच्छे सियासतदानों की चीखें निकलवाने वाला शोराइम खुद कैसे एक ऑक्टोपस का शिकार हो। बच्चों की तरह खिलखिला रहा, नरमी से उसके सर को छुआ और उठ के रूम से बाहर चला गया। वो किसी से भी मिले बगैर चला गया था। जिस किस्म की फीलिंग्स का वो शिकार हो रहा था, ऐसे में रचना बेगम या किसी और से सामना करने की हिम्मत उसमें ना थी। मोहब्बत की परी उस पे अपना जाल बिछा के जा चुकी। मायों के जोड़े में मलबूस सोगवार हुस्न ने मुहिब के दिल में एक खलबली मचा रखी, जबकि दूसरी जानिब वो पूरी तरह से सलमा बेगम, दरिया और मुहिब से बदगुमान किसी और दुनिया की बासी लग रही थी। 2 साल पहले के मंजर उसकी आंखों में घूम रहे थे, वही जर्द रंग, वही मेहंदी का रंग, मगर अब कोई वसवसा खौफ उसे लाहक ना था। वो खंडर आंखें लिए खुद को उस तमाशे का हिस्सा बनाए हुए। यार क्या किस्मत पाई, 2-2 बार दूल्हा बनने का शर्फ मिल गया। एक हम है जिसके सर सहरे के फूल खिलने के ही नहीं दे रहे। असद ने बेचारों वाली शक्ल बनाई, शाह ने उसकी मासूमियत भरी ड्रामेबाजी पे उसके जेल लगे बाल बिगाड़े। टेंशन ना ले यार, तेरी प्रमोशन के साथ ही तेरे लिए कोई हसीना महजबीना ढूंढते हैं। शाह ने बात मजाक में उड़ाई, मौका अच्छा है तुम दोनों भी अपने लिए कोई हसीना देख ही लो। मोहिब के कहने पे एक हसीन छवि असद की आंखों में उतरी, जबकि शाह के लब भीचे थे। अच्छा अच्छा, बस अभी वतन के लाडले सपूत के लेक्चर शुरू हो जाने हैं, फौजियों के सर पे शहादत के सहरे सजते हैं, और फिलहाल मेरा शहीद होने का कोई मूड नहीं। अच्छी खासी शादी को इसने फौजी परेड में तब्दील करना है। असद का शाह की जानिब इशारा देख वो दोनों हंसे थे। यार ये अफसरी भी बुरी चीज है, बंदा अपने जूनियर्स के सामने भंगड़े भी नहीं डाल सकता। असद ने एक और शिकवा किया, यार क्या तुम हर वक्त दुखी आत्मा बने रहते हो। कैप्टन मुहिब की शादी पे तुम अपनी ये अफसरी भूल जाओ, और वैसे भी मैं आपसे एक स्टेप आगे का बंदा हूँ, तो लेट्स एंजॉय माय बॉय। मुहिब कहीं से भी एक खड़ूस आर्मी ऑफिसर नहीं लग रहा था, जो अमूमन प्रोफेशनल होके वो अपने जूनियर्स के साथ अपनाते थे। मुहिब और वशमा को जब एक साथ बिठाया गया, सलमा बेगम और दरिया ने कितने पैसे उनपे से वार के काम वालों को पकड़ाए थे। दिल का डर उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। तुम तो अपनी मर्जी से शादी कर रही हो, फिर शोक किस बात का। मुहिब ने सरगोशियाना अंदाज में वशमा को मुखातिब किया था, जो खूबसूरत मोमी मुजस्मा बने बैठी थी, किसी भी किस्म के एहसास से आरी नजर आ रही थी। पहले भी अरसलान और दरी के लिए कुर्बानी दी थी, और आज भी अरसलान की रूह के सुकून और दरी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना आप कुर्बान कर रही हूँ। कैप्टन साहब, ना तो मुझे पहले आपसे कोई दिलचस्पी थी, और ना आज इस रिश्ते से मुतालिक कोई फीलिंग। हद दर्जा तल्ख अंदाज में वो मुहिब से मुखातिब थी। एक तासुब भरी निगाह उस पर डालने के बाद वो वहां से उठ गया। वैसे भी तमाम रस्में हो चुकी। इंसान की सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो नाशुकरा बहुत, ला हासिल की खातिर अपने हासिल की कदर नहीं करता। वशमा भी कभी अपने हासिल पे मुतमईन ना थी, उसे अपना आप दुनिया का मजलूम तरीन वजूद लगता था। अपनी इस खुदसाख्ता मजलूमियत ने उसे खुशियां कशीद करना भुला दिया था। अगर वो खुदा के फैसलों पर राजी होती तो अपने माजी को भुला के आगे बढ़ती। बहरहाल दुनिया का अजल से यही एक कानून रहा है कि मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता, और रहने वालों ने सदा रहना नहीं
जब तय है कि हर जीरू ने मौत का जायका चखना है तो कुदरत के कानून से कौन मावरा है। अगले दिन का सूरज एक नई उम्मीद और किरण लेके तुलू हुआ था। वो दरी के साथ पॉलर चली गई थी जहाँ से उन्होंने डायरेक्ट मैरिज हॉल जाना था। दुनिया की रस्में निभानी थी, यतीम भतीजी की बाबत खुदा और लोगों के सामने सुरखरोई के लिए। बेगम सलमा हर चीज बेहतर से बेहतरीन कर रही थी। डीप रेड कलर की मैक्सी पहने डॉल लुक मेकअप में वो वाकई आसमान से उतरी भूर लग रही थी। मुहिब की नजरें जब स्टेज की जाने पड़ती पशमा पे पड़ी तो एक लम्हे को उसने कुदरत के उस शाहकार को जी भर के देखा और सराहा था। उसने आगे बढ़ के उसे स्टेज पर चढ़ने के लिए उसका हाथ थामा था, जिसे शायद उसने लोगों के लिहाज में चकराते सर के साथ थाम लिया था। मुहिब की नजरें मुसलसल उसका तवाफ कर रही थी। भाई जरा हम पे भी नजरे करम हो जाए। दरिया की शरारती आवाज पे दोनों ने उसे देखा था, जो अंगूरी कलर के फ्रॉक में बहुत जाजिब नजर लग रही थी। पशमा ने उसके पहलू में खड़े अरसलान को देखा जो उसे ही देख रहा था। भाई, पशमा कहते हुए स्टेज से खड़ी हुई थी और उसी जाने बढ़ी जहाँ दरिया खड़ी थी, मगर वो एक सेकंड का इल्यूजन मुस्कुराता हुआ कहीं गुम हो गया था। मुहिब और दरिया उसके रवैये को समझ नहीं पा रहे थे। मुहिब उसे थामने को आगे बढ़ा था और वो होशो हवास की दुनिया से बेगाना हो गई। इतने दिन की टेंशन का अंजाम सामने था, या फिर वो अपनी जिद में कोई इंतहाई कदम उठा चुकी थी। मुहिब ने दुल्हन का रूप सजाए उस अप्सरा को अपने बाजुओं में उठाया और किसी को कुछ समझने का मौका दिए बगैर हॉल से बाहर दौड़ा था। वहां पे मौजूद हर शख्स उस खानदान पे गुजरने वाले सानहात से वाकिफ था। न जाने क्या था उस लड़की की किस्मत में, खुशी क्यों उसे रास ना थी। वहां पे मौजूद लोगों में खौफ जैसी कैफियत पैदा हो रही थी। सब रिश्तेदार दरिया और सलमा बेगम के गिर्द जमा थे। चंद एक की जबान से वशमा के लिए बुरे अल्फाज भी निकले थे कि लड़की ही मनहूस है जिसकी पहली बारात पे बाप और भाई दुनिया से गए और अब पता नहीं क्या होने वाला है। वो एक लड़की है मन भावन, वो रिमझिम बादल सावन, मोतियों की लड़ियों जैसी है, सावन की झड़ियों जैसी है, वो कस्ते सुनती परियों की, वो खुद भी परियों जैसी है। पहली बार शोराइम की सोचों का मरकज बिया की जात थी। आंखों के सामने लापरवाह अपनी आबोताब से चमकता नजर आता था। अपनी इस कैफियत से वो खुद ही परेशान हो उठा। अभी उसे बहुत नाम बनाना था, कहीं ये लड़की उसकी राह का कांटा ना बन जाए। बेचैनी से टहलते वो मुसलसल उसे ही सोचे जा रहा था। अचानक एक ख्याल आने पे उसने बिया का नंबर मिलाया था। दूसरी जाने बैल जा रही लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। उसे उस लड़की की हद दर्जा लापरवाही पे गुस्सा आ रहा था। उस जैसा इंसान कभी अटेंशन सीकर नहीं बना था, मगर अब ना जाने क्यों दिल जिद कर बैठा था कि वो उसे नोटिस में लाए। दोबारा कॉल पे भी नंबर से कोई रिस्पांस ना मिलने पे उसका हमेशा वाला गुस्सा ऊद आया। मुट्ठियां भीचे एक गैर मरे नुक्ते पे निगाह जमाई हुई। बिया के वॉशरूम से निकलने तक सैल बज बज के चुप हो गया था। यूनिवर्सिटी में बकायदा क्लासेस का आगाज हो चुका था, मगर उसने एक हफ्ता गुजरने के बाद भी यूनिवर्सिटी कदम नहीं रखा था। इब्तदाई दिनों की रैगिंग एक मामूल का हिस्सा था, मगर वो एक खौफ के जेरे साया जो उसे अब तक लपेट में रखे हुए था। उस दिन ममा ने उसे छोटे हिटलर की आमद का बताया तो वो हैरान थी। उसका शोराइन से सामना नहीं हुआ था और सबने यही अंदाजा लगा लिया कि वो बिया को बिना देखे ही वापस चला गया था। हानी बी के हाथ में फ्लावर्स का बुके देख उसके दिमाग में कुछ दिन पहले वाला वाकया घूमा था। कैप्टन शाह एक मुख्तसर तारुफ और साथ ही जिल्ली हुर्फ के साथ एक पैगाम दर्ज था। आई एम नॉट सो गुड विद नेम, डू यू माइंड इफ आई कॉल यू इडियट। बिया हैरान कि ये कैसा पैगाम था। ना बुके भेजने की वजह दर्ज थी ना कुछ और। कई बार उसने उन चंद अल्फाज को पढ़ा था जिनको बेमायना तहरीर समझ रही, वो उन अल्फाज में दबे गुस्से से अनजान। मोबाइल रिंग की आवाज पे उसने मोबाइल को घूरा था। फिर से वही अननोन नंबर से कॉल थी जहां से पहले मिस कॉल आ चुकी थी। उसने बिना आवाज के यस बटन दबाया। कहां थी, अब तक कितनी कॉल कर चुका हूं मैं। शोराइम के गुस्से से भरपूर आवाज पे वो दंग रह गई। वो आप, मैं रूम में नहीं थी। उसकी कंफ्यूज आवाज से शोराइम को अपने लहजे पे काबू पाना पड़ा था, जबकि वो उसके कॉल करने पे हैरान थी क्योंकि उसने कभी बिया को कॉल नहीं की थी। यूनी क्यों नहीं जा रही तुम, शोराइम की जानिब से सवाल पे वो हैरान हुई। इनको किसने बताया,
फिर मामा बाबा का ख्याल आते ही उसका मूड मजीद खराब हुआ। जब से वो उनका दामाद बना था वो तो ऑल टाइम उसके सामने बिछे जाते। मेरी मर्जी, बिया का अजली ढीठ लहजा वापस आया। ओह राइट, तो अब मिस बिया अहमद अपनी मर्जी करेंगी, सुबह से तुम वापस ज्वाइन कर रही हो। एक हुक्म सादर हुआ और मजीद कुछ कहे बिना शोराइम ने कॉल बंद कर दी। खड़ूस हिटर, लुच्चा लफंगा जाहिल इंसान न हो तो यकीन है मैं मामा बाबा की अपनी औलाद नहीं, तभी उन्होंने उसे मेरे सर सवार किया। बदतमीजी से सोचते हुए उसके हलक में आंसुओं की नमी खुली थी। फिर सामने पड़े अजीब व गरीब कार्ड ने उसे मजीद गुस्सा दिलाया। मतलब जिसका दिल करे उसे इजाजत है। वो अबिया अहमद को तंग करना शुरू कर कार्ड को चार टुकड़ों में तकसीम किया और डस्टबिन में फेंक दिया। अगर बिया की जगह कोई और भी लड़की होती तो शाह के रुतबे से ही मरूब हो जाती, मगर वो अबिया अहमद जिसे अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता था। पर कब तक वो उन अनजान कार्ड से गाफिल रह सकती। थकन नहीं है कठिन रास्तों पे चलने की, बिछड़ने वालों के दुख ने बहुत निढाल किया। वशमा की तबीयत अब बेहतर थी। असद और शाह भी उसके हमरा हॉस्पिटल में मौजूद थे। डॉक्टर्स ने जब उनकी मौजूदगी में बताया कि इसने बड़ी तादाद में स्लीपिंग पिल्स खाई, तब से मुहिब उनके सामने नजर नहीं उठा पा रहा था। इतना खुश थे कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, मगर उस लड़की की खुदगर्जी ने एक बार वक्त को खींच दोबारा 2 साल पीछे खड़ा कर दिया। दरिया और सलमा बेगम मेहमानों को रुखसत करके उसके पास आईं। उन्हें भी वशमा की ये हरकत बहुत दुख दे रही। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता कि अपनी जान का दुश्मन खुद हो जाए। मुहिब तो अपनी जात की नफी पे बुरी तरह टूटा। समझता था कि वक्त उसका मरहम बन जाएगा, मगर वक्त भी उन्हीं का मरहम बनता है जो वक्त के कैद से आजाद होना चाहता। वशमा तो खुद तरसी के आलम से कभी बाहर ही ना आ सकती। बारी बारी सबने उसकी अयादत की थी सिवाय मुहिब के। असद और शाह ने भी उसके लहजे की सर्द मोहरी देखी थी, मगर उनके पास भी कोई अल्फाज न था। कुछ देर ठहर के वो लोग चले गए। अब सिर्फ घर के लोग बाकी थे। सलमा बेगम और दरिया ने उसे कुछ नहीं कहा था। सब लोग अपने अपने मदार में घूम रहे थे। वशमा का इकदाम हर तरह से नाकाबिले कबूल था। एक मर्द अपनी औरत की बेएतनाई तब तक सहता है जब तक वो खुल्लम खुल्ला उसकी जात की मुनाफी ना करे। और वशमा कई बार मुहिब को उस नफरत की वादी में धकेलती रही थी और वो हमेशा एक नए अजम के साथ आगे बढ़ता था, मगर इस बार वो खुद भी टूट गया था। उसने सोच लिया था कि वो उसे इस जबरदस्ती के बंधन से आजाद कर देगा, वो उसके लिए मजीद किसी तकलीफ का बाइस नहीं बनेगा। शोराइम ने उसे घर से पिक किया था। हमेशा वाला सादा हुलिया अपनाए हुए ही वो आज उसके दिल के तार छेड़ रही थी। दिल की हालत क्या बदली, उसकी निगाहें बिया से हट नहीं पाती थी। उसकी दीवानगी आगे जाके उसके लिए एक कड़ा इम्तिहान साबित होने वाली थी। वो अपने इर्द गिर्द बुनते जाल से अनजान एक नई दुनिया में कदम रख चुका था। इतने दिन की गैर हाजिरी की वजह अब तुम्हें बचपना छोड़ स्टडी को सीरियस लेना होगा। गाड़ी यूनिवर्सिटी के रास्ते पर डालते हुए शोराइम ने उसे मुखातिब किया था, जबकि वो फिर से एक अनजाने खौफ में मुब्तला हो रही थी। एक मुख्तसर जवाब दिया गया गोया शोराइम की जात पे एहसान किया गया था और नजरें बाहर के मंजर पे जमाई गई। शोराइम उसका बेनियाज अंदाज देख के अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। फीलिंग्स उसकी बदली थी, जबकि दूसरी जानिब तो दूर दूर तक कोई आसार न थे। यूनिवर्सिटी गेट पे छोड़ने के बाद वो आज वापस नहीं गया था, बल्कि बिया के साथ ही डिपार्टमेंट आया था। बिया के इस्तफसार पे उसने उसे ये कह के चुप करवा दिया कि वो डिपार्ट के हेड से मिलेंगे, ताकि उसकी इतने दिन की गैर हाजिरी पे कोई इशू ना बने। वाकई इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं। उसके हमरा ही ऑफिस गया, उसे तारुफ पे खुसूसी प्रोटोकॉल मिल रहा था। वैसे भी वो अवाम में अच्छी खासी मकबूलियत हासिल कर चुका था, जबकि ये चीज उसे कोफ में मुब्तला कर रही थी। मिसेस शोराइम HOD का तर्ज तखातुब बिया को आग लगाने को काफी था, पर शायद आज अपने सबर पे वो खुद ही हैरान। आपको यहाँ किसी किस्म की कोई टेंशन हो आप डायरेक्ट मुझसे रابطہ कर सकते हैं। शोराइम के सामने बार बार मिसेस शोराइम की रट उसे बहुत जिद कर रही थी। क्या जरूरत थी इस हवाले की? बाहर निकलते साथ वो अपनी जोन में आई। क्यों, तुम्हें कोई मसला है इस हवाले से? हाँ, मेरे लिए ये हवाला बाइस शर्मिंदगी है शोराइम अहमद, तो प्लीज मुझे यहाँ एक स्टूडेंट की हैसियत से सर्वाइव करने दो। तुम इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा करती वो उसके आगे से गुजरती अपनी क्लास की जाने बढ़ गई, जबकि वो उसकी हरकत पे आग बगोला होता अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया।
तुम्हें इसका हिसाब देना होगा मिसेस, एक तल्ख मुस्कुराहट से उसने सोचा। पार्किंग से गाड़ी निकालने तक वो किसी की निगाहों का मरकज रहा था। उस लड़की का क्या था, जोराइम अहमद से देखने वाले की निगाह सवालिया अंदाज में सुखड़ी थी। वशमा 2 दिन से अपने कमरे की होके रह गई। अपने जज्बाती इकदाम पे वो भी शर्मिंदा थी, मगर अपनी कमजोरी किसी के हाथ नहीं देना चाहती थी। घर में दरिया की शादी का दौर शुरू हो चुका। मेहंदी वाले दिन ही निकाह की रस्म भी अंजाम दी गई। वशमा की गैर मौजूदगी का सबने नोटिस लिया था, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं ये कह सलमा बेगम ने सबको तसल्ली दे रखी। कुछ मेहमान चले गए जबकि बाकी थे जो दूर से आए और शादी अटेंड करके ही जाने थे। वशमा को नहीं मालूम था कि घर में कौन कैसे रह रहा है। वो ताज़ा हवा लेने के लिए कुछ देर टेरेस पे गई। वापस आने पे मालूम पड़ा कि उसका कमरा बहुत सी कजन की अमाजगा बन चुका है। वो मौके की नज़ाकत देख के चुप हो और सलमा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी, जो पहले ही आंटियों से भरा हुआ था। वो बौखलाई घर का कोना कोना घूम रही थी, हर जगह ही कोई ना कोई मौजूद था। सलमा बेगम ने उसे देखा तो मुहिब के रूम में रेस्ट करने को बोला, क्योंकि एक तो वैसे ही रिश्तेदारों को उनके अलग रहने का पता नहीं था, दूसरा वो मर्दों के साथ कॉलोनी में आर्जी रिहाइश पे लिए गए घर में था और तकरीबन इम्कान था कि उसने वहीं ठहरना है, इसलिए वो भी उसके रूम में आ गई। रूम सेटिंग और दीवारों पे मुरझाए फूल असद की मेहनत बेकार जाने पे अभी भी उदास नजर आ रहे थे। शायद वो भी उस रूम में इतना नहीं आता था, वरना ये भी नजर ना आती। हर एक चीज की उदासी अपने दिल पे महसूस करते हुए वो भी बेड पे लेट गई और ना चाहते हुए भी महू को सोचे जा रही। इस शशोपंज में वो नींद की वादियों में गुम हो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब एक अजीब से एहसास से उसकी आंख खुली। अपने करीब किसी दूसरे वजूद की सांस लेने की आहट ने उसे आंखें खोलने पे मजबूर किया था। वो एक झटके से बिस्तर से उठी। एक हल्की सी चीख उसके गले से बरामद हुई। मुहिब भी बेड पे होने वाली हरकत और चीख पे बेदार हुआ था। कुछ देर वो खुद नहीं समझ पाया कि उसके साथ हुआ क्या है। साइड लैंप को ऑन करते ही सामने खड़े साय ने हरकत की। मुहिब हैरान नजरों से अपने कमरे में उसकी मौजूदगी देख रहा था। बिस्तर से उठ के उसने रूम लाइट ऑन की। अब हर मंजर वाजे था। हिन्नी जैसी आंखों में हल्का सा खौफ थी, वो उसे देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुहिब ने कड़े तेवरों से उसे घूरा था। वो फुपो ने वशमा की आवाज ने उसका साथ छोड़ा। ओ इट मीन्स रियली तुम मम्मा के फोर्स करने पे सबको दिखाने के लिए इस रूम में मौजूद हो। वाओ, तुमसे बड़ा एक्टर तो वाकई कोई नहीं है मिसेज वशमा मुहिब रजा। एक एक लफ्ज को मुहिब ने चबा चबा के अदा किया था, जबकि वशमा पे तो घड़ों पानी फिरा था। वो क्या समझ रहा है कि किस लिए वो उसके रूम में मौजूद थी। देखो तुम गलत समझ रहे हो, उसने कमजोर लहजे में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहा था, मगर मुहिब ने उसे बात मुकम्मल करने ही ना दी। बाजू से पकड़ते हुए अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। तुम ये रूम ये बिस्तर डिजर्व नहीं करती मोहतरमा, और ना ही मुझे। एक सुलगता हुआ ताजियाना पड़ा था वशमा पे। उसने शिकवा कुना नजरें उठाई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी। दरवाजे को जोर से बंद करने के बाद वो अपना सर हाथों में पकड़े बिस्तर पे लेट गया। क्या मैंने विश के साथ गलत किया, जमीर ने थोड़ा मलामत किया था, मगर वो जो हम सबके जज्बातों से खेलती आई है उसका क्या। मुहिब बुरी तरह से उलझ गया था। दूर कहीं से मौज़न ने अल्लाहू अकबर की सदा लगाई तो वो अपने सभी फैसले खुदा के सुपुर्द करता हुआ वुजू के लिए खड़ा हो गया। अब नींद तो उसे आनी नहीं थी, जो दुश्मन जहां अपने साथ ले जा चुकी। बन जाऊं अगर तुम सा तुम्हें कैसा लगेगा, हर पल में रहूं तुमसे खफा कैसा लगेगा, पढ़ते हो मुझे तुम जो नमाजों की तरह से, हो जाऊं अगर तुमसे कदा कैसा लगेगा, तुम प्यार में हद को भी मिटाने पर हो राजी, बन जाए अगर प्यार सदा कैसा लगेगा, खुद से भी ज्यादा हो यकीन तुमको किसी पर, वो शक भी दे जाए दगा कैसा लगेगा, तुम औरों की महफिल का दिया बन के जलो पर, तन्हाई मिले तुमको सिला कैसा लगेगा। वशमा ने टेरेस का रुख किया। रोने के बाद उसका दिल और ज्यादा बोझल हो रहा था। मौज़न की आवाज से उसे याद आया कि कितने अरसे से वो तो अपने रब के हुजूर सजदा रेज नहीं हुई, तो क्या वो तकदीर के साथ साथ अपने रब से भी रूठ बैठी थी। खुद को घसीटते हुए वो नीचे आई थी। बड़ी और बुजुर्ग खवातीन तकरीबन जाग चुकी और वो भी अपने कमरे में आ गई, जहाँ यंग पार्टी सोने में मसरूफ थी। वुजू करने के बाद अपने रब के सुजूद हुई तो फिर से आंसुओं ने उसके चेहरे का अहाता किया। माजी का एक एक मंजर उसकी आंखों के गिर्द घूम रहा था।
वो तकदीर से क्यों लड़ रही थी? जो अर्श पे अजल से लिखा था कौन मिटा सकता था, उसे साबरीन में से होना चाहिए। उसके भाई ने तो वो अजीम शहादत पाई थी जिसकी दुआ उम्मत के सरदार ने अपने लिए मांग। कुछ तो था उस शहादत का समर जिससे हम दुनिया वाले अनजान हैं। अरसलान जब कर्नल जलाल काजमी से कहता था, बाबा आपको कैसे लगेगा आपका बेटा शहीद कहलाएगा, तो जलाल काजमी ने कभी उसे ये नहीं कहा था कि वो जवान बेटे की जुदाई नहीं सह सके, बल्कि हमेशा यही कहा था तुम्हारा बाप गाजी है, जो मौत उसे मुयस्सर नहीं हो सकी, अल्लाह अगर उनके बेटे की वर्दी पे ये एजाज सचता है तो वो और ज्यादा सीना चौड़ा करके चले। और वो इतने बहादुर आदमी की बेटी, एक अजीम भाई की बहन होके भी इतनी बुजदिल थी अपनी बेबसी पे, हद से ज्यादा रोने के बाद वो अपने गुनाहों के कुफारे के लिए तैयार जिंदगी की तरफ वापस लौटने के लिए पहला कदम बढ़ा चुकी। नमाज से फारिग होने के बाद उसने किचन का रुख किया था, खान सामा के साथ मिलकर मेहमानों का नाश्ता तैयार किया। सलमा बेगम के लिए उसका ये रवैया नाकाबिले यकीन, मगर उन्हें उस वक्त का इंतजार भी था। दरिया के लिए नाश्ता रूम में ले गए। तो भी बन्नो, आज आपका यहाँ आखिरी दिन, कैसा महसूस कर रही हैं आप? ड्रेसिंग टेबल से हेयर ब्रश को उठा कर वो माइक की सूरत पकड़े खड़ी थी। दरिया उसके अंदाज पे गश खाने लगी। माना कि हम बहुत खूबसूरत हैं, मगर आज आपको स्पेशल लगना है, हमजा भाई के दिल पे बिजलियां गिराने को। जल्दी जल्दी नाश्ता करो और फिर पॉलर के लिए भी निकलना है। वो इतना ज्यादा बोलना तो कब का छोड़ चुकी थी। और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा जरूरी सामान पैक कर, क्योंकि फिर मुझे भी तुम्हारे साथ निकलना है। और दरिया उसके बोलने के अंदाज से हैरान होती उसके सामने खड़ी हुई थी। विश दरिया के बाजू पकड़ने पे उसकी चलती जुबान को सपाट लगा। क्या हुआ? उसने दरिया को सब नॉर्मल है का पोज करते हुए पूछा, क्या छुपाना चाह रही हो? उसने एक शर्मिंदा सी निगाह दरिया पे डाली। वो अब फोन सबको इतना बेएतबार कर चुकी थी, इसलिए सब ठीक होने का वक्त दरकार था। शायद कुछ भी नहीं। दरिया मुझे माफ कर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई स्वर मैं अब कभी किस्मत से शिकवा कुना नहीं हूँ। मैंने अपने बाप भाई के मामले में सब्र कर लिया और जिंदगी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हूँ।